होना चाहिए था? मोर्चा बहुत उत्साहपूर्वक था और शांति से संपन्न हुआ है और देखा गया है कि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हुए, सब वॉक ऑफ लाइफ के लोग शामिल हुए इसमें, स्टूडेंट से लेके तो जो भी ह्यूमन राइट्स वाले थे, जो भी एक आम पब्लिक थी, वो सब यहाँ पर शामिल हुए, ताकि आज जो हमारे संविधान के ऊपर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस करने जा रहे हैं वो हमारे मूलभूत प्रीएम्बल के बिल्कुल खिलाफ है। जो हमारा संविधान जिस जो आर्टिकल 14 का ये पूरा उल्लंघन करता है, और जैसे असम अकॉर्ड है उसका हम लोग पूरा इस नए कानून की वजह से अकॉर्ड्स का जो है हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल हम लोगों ने जो संधियाँ की है उस संधियों का भी हम लोग इसमें उल्लंघन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एनआरसी और जो क्या है सीएए है, वो क्या है आपको? सर इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि सीए जो है, ये सीए जो यानी जो पहले सीए भी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो एक उसको एक ऐसे आप एग्जांपल करो जो चेतन भगत ने कहा है। उन्होंने कहा है अपने को क्या हम लोग चाह रहे हैं कि प्लेन में सब लोग बैठे लेकिन जैकेट हम लोग सब लोगों को नहीं देंगे। उसी तरह ये मामला है कि हम लोग सीएबी का जो कवर है वो टोटल कम्युनिटी को नहीं दे रहे, जो हिंदुस्तान के शहरी है तब सबको नहीं दे रहे, हम उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो है डिफरेंस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से कुछ लोगों को हम जैकेट दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, तो जिसके पास में जैकेट नहीं रहेगा वो एरोप्लेन से तो मौत ही मरने वाला है, जिसके पास जैकेट रहेगा वो बच जाएगा। तो यही खेल सीएबी और एनआरसी का ये सरकार खिलाना चाहती है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि इस देश की जो पब्लिक है आप उसके एजुकेशन का मजाक मत उड़ाइए। ये जो पब्लिक है ये समझदार है, एजुकेटेड है। आप यानी आप अगर कम पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं कि देश की जो जनता है वो मूर्ख है। जनता सब समझती है कि आपने क्या खेल खेला है। आप यहाँ पर जीडीपी डाउन हो रहा है, आपके जो एक्स इकोनॉमिस्ट थे जिनको आपने खुद अमेरिका से लाया है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब को, अरविंद सुब्रमण्यम, वो खुद बोल रहे हैं कि आप जीडीपी जो है हमारा जीडीपी है 4.5 है, लेकिन ये और आईसीयू में जा रहा है इकोनॉमी। आप समझ रहे हैं ये जो जनरेशन का युवा था जिसने एजुकेशन लेके जो नौकरियों के लिए निकलने वाला था, आपने तो उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। आने वाले 10 साल तक ये देश की इकोनॉमी जो गड्ढे में गई है वो उठने वाली नहीं है। अब आपको पता है कि इसका सारा हमारे सर ऊपर आने वाला है, इसलिए आपने हिंदू मुसलमान और ये डिवाइड करके और ये देश को बांट कर आप अपनी राजनीति और आप अपनी जो भी आपको राजनीतिक फ़ायदा उठाना है वो आप कर रहे हैं। अरे आप इधर खड़े रहना चाहिए ना, आप लोग इधर थे तो इधर भी खड़े। आपने अभी मोर्चा में शामिल हो गए? हाँ जी। तो मोर्चा किस लिए था? ये मोर्चा इसलिए था कि हम लोग एनआरसी और सीएए के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। जो एक सेकुलरिज्म है इस देश का, इसको हमने सपोर्ट किया है। मोदी गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाया है, इसलिए मैंने मोर्चे में लेकर के घूम रहा था। मैं आप लोग देख सकते हैं, डोनेट अ बुक टू द नीडी स्टूडेंट नेम अमित शाह एंड द बुक नेम इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी नीडफुल फॉर हिम। ये उसको उनको प्रोवाइड करना चाहिए तो हमें डोनेट करना चाहिए। मैंने रिजेक्शन किया है इस चीज़ को, सीएए के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। रिजेक्शन किया है वो किस वजह से किया है, क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान ये है देखिए कि एक कौम को इन लोगों ने टारगेट करके उसके ऊपर एक स्टॉप लगाया उन लोगों ने, ये चीज़ गलत किया है। अगर आप लोग कर रहे थे तो ये ओपन होना चाहिए था। इन लोगों ने जो कास्टिज्म के बेस के ऊपर किया है ये गलत हुआ है, जिसकी वजह से एक कौम को ठेस पहुंची है। और ये सेकुलरिज्म के अंदर ये चीज़ नहीं आती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हो। हाँ जी, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है ये बिल के बारे में क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या कहेंगे मोदी को, क्या कहेंगे? मोदी को हम ये कहेंगे कि ये बिल को नकारा कर दें, इसको वापस ले लें, इस बिल को चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है जहाँ पर सारे कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह के इख्तलाफात, इस तरह के एक आपसी में फूट डालना ये लोग बंद कर दें, इस तरह की सरकार ये लोग चलाना बंद कर दें। अच्छा, आपने भी इस मोर्चा में शामिल हुए थे तो ये एनआरसी और कैप का जो बिल है उसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे तो सिंपल, जैसे भाई ने बताया कि ये इट इज अगेंस्ट और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है सीधा सीधा, और लोगों को बांटने की इन्होंने अभी बीच में पॉलिटिक्स किया राम मंदिर के नाम से, इनका फ्लॉप हो गया क्योंकि पूरा भारत शांत रहा, लोगों ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया व्हाटएवर
जो भी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से और कुछ कर ही नहीं पाए। इनको लगा था कि भारत पूरा हिंदुस्तान सिलक जाएगा, जो कुछ नहीं हुआ। तो वो जब कुछ नहीं कर सके, जब GDP डाउन हो, बाकी बहुत सारे इश्यूज है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारी, उन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए लोग ने कुछ तो नया, इनके पास ऐसा पूरा कोई मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल की टीम बैठी है, कुछ ना कुछ इश्यूज निकालने। मोदी सरकार ने जो निकाला है, क्या बाहर है NRC का जो, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र हो सकता है, क्या लगता है इसके पीछे का? ये षड्यंत्र कि ये जो आर्थिक मंदी है इस देश में, जो युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कंपनियां फैक्ट्रियां सब ठप पड़ी है, इसके पीछे ये लॉजिक है। इन्होंने ये बिल निकाल के पब्लिक का ध्यान भटका दिया है, बेसिक पब्लिक का ध्यान भटका दिया है। और जो मंदी चल रही है इस देश में, उसके पीछे से लोगों का ध्यान हट जाए। और मैं ये NRC के कैप के अगेंस्ट हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, ये सही नहीं है। इसमें मुसलमानों को बांट दिया है, इन्होंने सबको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट दिया। सबसे हर जगह हर गली एक ही चर्चा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम यही चर्चा हो रहा है NRC का। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या लगता है? देखो, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल, मैं 50-60 साल से रहता हूँ, वो 71 के टाइम पे मेरे तो बाप दादा इधर रहते हैं, इधर की है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये किसी के डॉक्यूमेंट्स खो गए, हो सकता है जैसे राफेल की फाइल चोरी हो गई तो हमारे डॉक्यूमेंट भी चोरी हो सकते हैं, ये कहीं घूम सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए मुस्लिम कौम के लिए एक कौम को टारगेट कर रही है, उसी का टारगेट करने का काम चल रहा है। हो सकता है किसी की बाइक चोरी हो गई, उसमें बेचारे किसी के गरीब के डॉक्यूमेंट्स हो। हम तो लास्ट, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पे है, इंडिया गेट पे हम मुसलमानों के स्वतंत्र सेनानी के कितने लाखों लोगों की इस पर नाम लिखा है, तो भी हमारी को एक कौम को ये टारगेट किया जा रहा है NRC का। इसके लिए हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं इसका, ये बिल का।